हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास लिक्विड सेशन चैप्टर में हम लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको यूज करना सीखेंगे। तो आज हम वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने आपको बताया था वेंट ऑफ फैक्टर आई जो कि होता है 1 + α (n-1)। बताओ ये फॉर्मूला कौन से केस के लिए होता है? दिस इज फॉर डिसोसिएशन। सिमिलरली अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो डिफरेंस क्या आता है? 1 + α, एन की जगह कितना आ जाएगा? 1 / n-1। और ये केस किसके लिए होता है? दिस इज फॉर एसोसिएशन। ठीक, तो ये आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर के दो फॉर्मूले बने, एक डिसोसिएशन के लिए और दूसरा एसोसिएशन के लिए। वैल्यू की बात करते ना, वो बताया था आई को हमने डिफाइन कैसे किया था, दैट वॉज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ही है, तो ये आपके पास आई की वैल्यू हुआ करती थी। दूसरा यूज कैसे करेंगे, हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनमें हमको आई को इंट्रोड्यूस करना होगा, जैसे डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी को मैं कितना लिखूंगा? आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा बताओ? आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी। सिमिलरली वेपर प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई इंटू सी इंटू आरटी। सिमिलरली वेपर प्रेशर, मैंने क्या बोला था, क्योंकि आई सिर्फ सोल्यूट के लिए होता है तो आपको जब वेपर प्रेशर लिखना है P0 - PS / P0 को आप कैसे लिखोगे? आई इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आई इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आप सॉल्वेंट के मोल्स के साथ आई को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यहां से देखो, हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो इंपॉर्टेंट, P0 - PS / P0 ये इक्वल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, याद है ना? तो हम इसको यूज करेंगे और यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे? आई। तो वेपर प्रेशर क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये डेटा यूज करेंगे, ठीक, और बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला है उसको आई से मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सी क्वेश्चन क्या है, देखो आपको हर क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर चेक करना होगा, है ना? ऐसे क्लिक नहीं करता, आप सोचो कब लगाना है कब नहीं लगाना है। आपको तो हर क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर चेक करना है कि आपका सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यही तरीका है वेंट ऑफ फैक्टर को समझने का। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर, प्लस 2 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर इज 751 mmHg एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑफ NaCl। तो आपको NaCl की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। इसका एक सोल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम NaCl है 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, करते हैं कैलकुलेट। चलो देखो, उसने टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा, और इस बॉइलिंग पॉइंट पर जो प्योर वाटर होगा उसका प्रेशर कितना होगा? 1 atm, दैट इज 760 mmHg। बोलो, बोल सकता हूं? तो मुझे क्वेश्चन में उसने इनडायरेक्टली बता दिया है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा? 760। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उसने दे दिया है 751 mm। बताओ क्या मैं P0 - PS / P0 को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप देखो, यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वेंट ऑफ फैक्टर आई। क्यों? बताओ क्या NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है? पानी में डालते ही क्या होगा? ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो आपको यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, यानी आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे आई से।
कोई डाउट? बस अब तो आपको वैल्यूज प्लेस करनी है, तो करना स्टार्ट करो वैल्यूज प्लेस. पी नॉट, पी नॉट कितना 760 माइनस पीएस कितना 751 अपॉन 750 सॉरी 7 ये पी नॉट बाय पीएस आएगा पीएस तो 751 दिस विल बी इक्वल टू आई इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 58.5 दिस डिवाइडेड बाय बताओ मास ऑफ वाटर कितना है 100 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है 18. बताओ क्या हम यहां से आई के लिए सॉल्व कर सकते हैं? जैसे हम यहां से आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपको आई की वैल्यू मिलेगी 1.94. कितना मिलेगा? 1.94. लेकिन आपको आई नहीं बताना, आपको वेंटो फैक्टर नहीं बताना है, आपको क्या बतानी है? इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो आपको याद हो डिसोसिएशन के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था आई का? आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1. बताओ NaCl टूटकर क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस दो पार्टिकल्स बना रहा है. बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. वैल्यूज प्लेस करो. I 1.94 1 प्लस अल्फा इंटू 2 माइनस 1 लिख सकता हूं. यहां से अल्फा कैलकुलेट कर लो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.94. यानी इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? 94%. ये सॉल्यूशन में 94% डिसोसिएट होगा. बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपसे क्वेश्चन मिलेंगे, कभी आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लेगा, कभी आपसे आई की वैल्यू पूछ लेगा, ये कभी वेपर प्रेशर पूछ लेगा. क्लियर? चलो इसे आप कॉपी करो, हम और क्वेश्चन करते हैं और वेंटो फैक्टर को यूज करना सीखते हैं. तो अगला क्वेश्चन करते हैं और दो तीन क्वेश्चन करेंगे ना हम, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं और यूज करना सीखते हैं अपने वेंटो फैक्टर को. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे कह रहा है 17.4% वेट बाय वॉल्यूम K2SO4 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज आइसोटोनिक विद 58.5% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन. ठीक, 25 नहीं 27 डिग्री सेल्सियस, ये भी 27 पर ही है. ठीक, आगे बोल रहा है इफ NaCl इज 100% आयोनाइज्ड. ठीक, देन व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ K2SO4. ठीक है, चल तो देखो अगेन आपको साफ साफ दिख रहा है K2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये तो पक्का है कि इस क्वेश्चन में वेंटो फैक्टर यूज होगा. कैसे यूज होगा वो देखते हैं. बोला NaCl 100% आयोनाइज्ड है. देखो अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज्ड है, इसको तो आप याद ही रख लेना, तो उसके लिए अल्फा कितना हो जाएगा? 1. तो बताओ आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1. ये अल्फा के लिए यार 1 रखो तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1. यानी आई सिंपल तो कितना आ गया? n. यानी आपका इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस बनाएगा वही उसकी आई की वैल्यू होगी. बताओ NaCl टूटकर कितने आयंस बनाएगा? 2. यानी NaCl के लिए आई कितना हो गया? 2. तो ध्यान रखना कोई भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो मैंने आपसे बोल दिया AlCl3 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% ब्रेक हो रहा है, बताओ इसके लिए आई कितना आएगा? 1 प्लस 3 4. बोलो लिख सकते हैं ना. तो ध्यान रखना अगर कोई 100% आयनाइज हो रहा है तो जितने पार्टिकल में ब्रेक होगा वही उसका आई होगा, वेंट ऑफ फैक्टर. तो इस डिस्कशन से हम बोल सकते हैं कि NaCl के लिए, फॉर NaCl आई तो कितना हो जाएगा? 2. क्योंकि NaCl किसमें टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस. ठीक, दूसरा K2SO4 के लिए आई कितना होगा वो अभी देख लेंगे. ये बोल रहा है कि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं. आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है बताओ? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बोल सकता हूं ना. तो दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हो, इन्हें डिस्कस किया था, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक. एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां डेटा दिया देखो आपको, 17.4% वेट बाय वॉल्यूम एंड 5.85% वेट बाय वॉल्यूम.
तो जो लोग जिन लोगों ने मुझसे मोल पढ़ा है वो तो जानते हैं कि इनको किस तरह से यूज करना है, पर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं, इसको आप हमेशा के लिए याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए। अगर आपको कभी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ हो तो आप वहां से मोलैरिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला 10 × वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली कभी कभी वेट बाय वॉल्यूम की जगह वो आपको वेट बाय वेट परसेंट देता है, तो 10 × डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन × वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये दो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले हैं, कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर किसी सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम दिया हो इसको यूज करके आप डायरेक्टली उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो, वेट बाय वेट दिया हो तो इसको यूज करके आप उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूले कैसे आए इसके लिए आपको मेरे मूल कंसेप्ट की वीडियोस देखने होंगे, तो आप देख लेना। खैर हाल फिलहाल मैं इन फॉर्मूले को अब यहां पर डायरेक्टली यूज करूंगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे यहां पे दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक सॉल्यूशन है K2SO4 और एक सॉल्यूशन है NaCl। इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है 17.4। बताओ क्या मैं इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट निकाल सकता हूं 10 × वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास। पोटेशियम होता है 39 × 78 प्लस सल्फेट होता है 96, ऐड करो ये 174 आ जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 174। सिमिलरली आप NaCl को देखो तो इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है 5.85, तो इसकी क्वेश्चन कितनी हो गई 10 × वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 58.5, तो इसकी क्वेश्चन भी आ गई 1 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी आ गई 1 मोलर। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई, दोनों का टेम्परेचर सेम है T1 27 डिग्री सेल्सियस, T2 इज ऑल्सो 27 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस किसका है वेंटो फैक्टर, इसका वेंटो फैक्टर I1 मानता हूं और इसका वेंटो फैक्टर कितना होगा I2। जैसा मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया NaCl पूरा डिसोसिएट होगा, इसका इन्फेक्टर कितना होगा 2, सॉरी इसका वेंटो फैक्टर कितना होगा 2, इसका वेंटो फैक्टर पता नहीं, लेकिन बोल रहा है दोनों आइसोटोनिक है यानी Pi1 इज इक्वल टू क्या हो चुका होगा बोलो Pi2। अगर Pi1 इक्वल टू Pi2 तो Pi1 का फॉर्मूला I1 × C1 RT इज इक्वल टू I2 × C2 RT। RT सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है सेम, यानी I1 इक्वल टू कितना हो गया I2, तो I1 दैट इज वेंटो फैक्टर ऑफ K2SO4 वो भी कितना आ जाएगा, बोला यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये तो आया K2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर, मुझे क्या बताना है K2SO4 का परसेंटेज डिसोसिएशन। लगा दो फॉर्मूला, अगर हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1 + α × N-1। बताओ K2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा, K2SO4 टूटकर बनाएगा 2K+ SO4 2-। बताओ इसके लिए N की वैल्यू कितनी हो गई 3, N के लिए यहां रखो I कितना है 2 इज इक्वल टू 1 + α × 3-1, इधर गया 1 = बन गया 2α, यानी यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, यानी ये सॉल्यूशन में 50% डिसोसिएट होगा, कितना डिसोसिएट होगा 50% डिसोसिएटेड होगा, बोलो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिक नहीं करते हैं इसलिए इसको ध्यान रखना। कभी भी वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वेट दिया हो आप डायरेक्टली मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी तो क्वेश्चन का डेटा यूज किया है, वो बोल रहा है दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो Pi1 = Pi2, सिंस दोनों ही ब्रेक होंगे तो हमें दोनों के वेंट ऑफ फैक्टर कंसिडर करने होंगे। यहां से मैंने K2SO4 का इन्फेक्टर निकाला और उसके वेंट ऑफ फैक्टर से मैंने उसकी डिग्री ऑफ डिसीजन कैलकुलेट कर ली जो कितनी आई 50%। क्लियर, कॉपी करो फिर और क्वेश्चन करते हैं। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं सेम यूजिंग वेंट ऑफ फैक्टर। देखो मैं आपको इस पे इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसका मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज होते हो, बस मैं इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आप अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख सको और अपनी अप्रोच को डेवलप कर सको। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अरेंज
द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. कुछ सोल्यूशन दिए हैं आपको. एक तो दिया हुआ है 0.1 मोलर यूरिया, एक दिया हुआ है 0.1 मोलर NaCl, एक दिया है 0.1 मोलर Na2SO4 और एक दिया हुआ है 0.1 मोलर Na3PO4. ठीक है, आपको इनको इनके ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखो, यूरिया यूरिया ब्रेक नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए इसका वेंटोफेटर कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है. इसके लिए तो पाई का फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई इक्वल टू होता है CRT. ठीक है, देखो अगर आप यहां पे वेंटोफेटर लगाना भूल जाते हो तब तो आपके सबका प्रेशर क्या आने वाला है, सेम, क्योंकि सबकी कॉन्सेंट क्या है, सेम. पाई किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर सेम है तो सबका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होना चाहिए, सेम. लेकिन ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट, आपको इन सबके लिए वेंट ऑफ फैक्टर कंसीडर करना होगा, होगा ना. चलो, तो इसके लिए बताओ, मैं ये बोल सकता हूं कि किसी के लिए अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर कंसीडर कर रहा हूं, पाई इक्वल टू क्या लिखूंगा, ICRT. सिंस सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम, सिंस सबका टेम्परेचर सेम, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पर. यानी जिसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा. बोले, बात समझ में आ रही है. कुछ नहीं बोला है तो मैं मान के चलूंगा ये 100% डिसोसिएट हो रहा है. बताओ अगर ये 100% डिसोसिएट होगा तो मैंने आपको अभी भी सिखाया इसके लिए आई कितना आएगा, 2, क्योंकि ये दो पार्टिकल में ब्रेक होगा. बताओ इसके लिए आई कितना आएगा, वेरी गुड, इसके लिए आई कितना आएगा, 3, क्योंकि 2 Na+ और 1SO4 2- माइनस में. सिमिलरली बताओ इसके लिए आई कितना आएगा, 4, क्योंकि ये 3 Na+ और 1 PO4 3- माइनस में ब्रेक होगा. तो फंडा वही है, जिसका आई सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा. तो बताओ सबसे ज्यादा ऑर्डर किस, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, Na3PO4, फिर Na2SO4, फिर NaCl और लास्ट में कौन आएगा आपका, यूरिया, क्योंकि यूरिया के लिए तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 है, मतलब वो डिसोसिएट ही नहीं होता है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा. तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जहां पे आपको अलग अलग सॉल्यूशंस के फ्रीजिंग, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर्स या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स या फिर फ्रीजिंग पॉइंट्स भी कंपेयर करने होते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो जहां पे मुझे फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना पड़े. देखो एग्जाम्पल, अरेंज the following solutions in increasing order of their freezing point. ठीक है, ध्यान से देखना. सोल्यूशन है, एक तो है आपके पास मान लो 2 मोलल NaCl, एक है 2 मोलल Na2SO4 और एक है आपके पास 2 मोलल बेंजीन. ठीक है, या 2 मोलल आप ले लो, यूरिया ले लेते हैं, चलो ठीक, यूरिया. तो हमने सीखा यूरिया तो डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा, दोनों पूरे पूरे डिसोसिएट होंगे. बताओ इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 2, और इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 3. ठीक है, अब ध्यान देना, डेल्टा टी एफ के लिए कितनी होती है, I into KF into मोलैलिटी. देखो सबकी मोलैलिटी सेम है, सबके वाटर में सोल्यूशन है, तो केएफ भी क्या होगा, सेम. यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आई. बताओ डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ होता है 0- फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0°C. इसकी वैल्यू आ गई आई के इक्वल, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो माइनस आई के इक्वल आया. ठीक, अब जिसका आई ज्यादा होगा, सिंस माइनस साइन, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम. फॉर एग्जाम्पल इसका आई कितना है, 3, तो अगर मैं
फ्रीजिंग पॉइंट लिखो तो मान लो मैं -3 डिग्री सेल्सियस लिख लेता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा इसका ही कितना है 2, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा -2 डिग्री सेल्सियस। बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, -3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है -2 ज्यादा है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा। तो सिंस यहां नेगेटिव साइन आ गया है, नेगेटिव साइन आ गया है, तो आप क्या बोलोगे कि जिसका आई ज्यादा, मोर इज द वैल्यू ऑफ आई, लेसर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। अब अरेंज करो फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में, सिंस Na2SO4 का आई सबसे ज्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सबसे कम, फिर NaCl और फिर कौन आएगा आपका यूरिया। बोलो बात समझ में आ रही है। यहीं पे अगर मान लो आपसे फ्रीजिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवाता तो अगेन डेल्टा टी भी आई के प्रोपोर्शन होता, लेकिन डेल्टा टी भी क्या होता है, डेल्टा टी भी होता है टी ऑफ सॉल्यूशन -T of solvent। ठीक, अब क्या होता है सिंस वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आई जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा। तो अगर मैं इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करूं तो यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर NaCl और फिर क्या बन जाएगा Na2SO4। तो आप इन चीजों को याद नहीं रख सकते, इसलिए आपको खुद को समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में सिंस नेगेटिव साइन आ रहा है तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कम, और बॉइलिंग पॉइंट में सिंस पॉजिटिव साइन है तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे जैसे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इंक्रीज। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा Na2SO4, फिर NaCl और फिर यूरिया। कर सकते हैं, तो देखो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो वेंटॉफ फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। मैंने आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवाए और वेंटॉफ फैक्टर को यूज करना सिखा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अभी वैसे कॉपी करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना फाइनल टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अभी तक आपने जितने भी सॉल्यूशन पढ़े दोज वर, आपने एक सॉलिड को एक लिक्विड में डिसॉल्व किया या फिर एक लिक्विड को एक लिक्विड में डिसॉल्व किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, इन लिक्विड्स। तो नाम से पता लग रहा है सोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड के अंदर सोल्यूट हमेशा कौन होगा आपका गैस, और सॉल्वेंट कौन होगा लिक्विड। तो देखो किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप दुनिया की किसी भी गैस को दुनिया के किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट द कंडीशन इज आपको प्रेशर अप्लाई करना होगा। आप किसी भी गैस को किसी भी लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करके डिसॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब किसी भी लिक्विड में किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उस गैस के ऊपर लगने वाले प्रेशर पे। प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां पर लिखना है वो आप लिख सकते हो कि एनी गैस कैन बी डिसॉल्व इन वॉटर। मैं बेसिकली वॉटर की बात कर रहा हूं, आप किसी भी लिक्विड की बात कर लो, कैन बी डिसॉल्व इन वॉटर By applying pressure। ठीक, तो मेनली गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर पे। प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोगों को बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग सब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कुछ ऐसी होती है, मतलब इतनी टेढ़ी नहीं होती है पर होती तो कुछ ऐसी है ना, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। तो आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक बोतल में क्या होता है आप जानते हो, वाटर के अंदर यहां पर CO2 गैस डिसॉल्व होती है। ठीक, तो डिसॉल्व कैसे होती है, हाई प्रेशर पे यहां पे CO2 गैस पास की जाती है और यहां पर एक कैप लगा दिया जाता है। ठीक, तो जब तक ये कैप लगा हुआ है तब तक क्या होता है, CO2 गैस इसके अंदर डिसॉल्व रहती है। अब आप बॉटल खरीद के लाए, आपने कैप ओपन किया, जैसे आपने कैप ओपन किया प्रेशर क्या हो गया रिलीज, और जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हुई डिक्रीज।
जैसे सॉलिडिटी डिक्रीज हुई यहां पे CO2 बबल्स की फॉर्म में, फिज की फॉर्म में बाहर निकलती है, जो फिज आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये CO2 गैस यहां पे सॉल्युबल कब तक रहेगी, जब तक प्रेशर अप्लाइड है। जैसे आपने प्रेशर हटाया गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। यानी इस CO2 गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर। गैस की सॉल्युबिलिटी सिर्फ प्रेशर पे ही डिपेंड नहीं करती, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कैसे, आप ढक्कन लगा के रखो लेकिन इस बॉटल को फ्रिज की जगह धूप में रख दो, बताओ जब आप बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो क्या उसमें कोई फिज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से निकलकर यहां खाली स्पेस में आ जाएंगे, और जैसे आप कैप ओपन करोगे सारी गैस बाहर निकल जाएगी। वो तो पहले लिक्विड से बाहर थी, बस कैप ओपन करते ही बॉटल से बाहर निकल जाएगी। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो टेम्परेचर कम करते तो क्या होता है, गैस वाटर में डिजोल्व हो जाती है, और इसीलिए आपको कोल्ड ड्रिंक ठंडी अच्छी लगती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको कभी भी गर्म अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गर्म सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 गैस होगी नहीं, वो तो क्या हो चुकी होगी, बाहर निकल चुकी होगी। तो इस डिस्कशन से हम दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम। इसीलिए हमेशा गैस को डिसॉल्व करने की बताओ फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ अ गैस विल बी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो प्रेशर हाई है टेम्परेचर कम है तो गैस सॉल्युबल होगी, अदरवाइज वो सॉल्युबल नहीं होगी। बोले बात समझ में आ रही। एक और चीज होती है जिसपे गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ठीक, देखो वो गैसेस, द गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड, द गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड। देखो इजीली लिक्विफाइड वो गैस होती है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर टीसी। टीसी क्या है यहां पे, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं। तो वो गैसेस जिनको आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो आर मोर सॉल्युबल इन वॉटर, आर मोर सॉल्युबल इन वॉटर। ठीक, तो कभी कभी आपको गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर दे देता है और पूछ लेता है बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, और वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। दूसरा एक और चीज आप बोल सकते हो वो इससे रिलेटेड है, अगर कोई गैस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो भी गैस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अपने आप ही क्या होगा, कम। तो मैं बात करूं अमोनिया और CO2, या मैं बात करूं अमोनिया और HCl गैस, तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और HCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, क्योंकि अमोनिया क्या शो करती है, वॉटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से आप गैसेज की सॉल्युबिलिटी को प्रेशर, टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर से डिसाइड कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है प्रेशर, और इसी के रिगार्डिंग हम यहां पर एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, एंड दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, हेनरीज लॉ। सो नेक्स्ट द फाइनल टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in liquid, that is called Henry's law. ठीक है, तो देखो हेनरी ने क्या बोला, हेनरी ने बोला कि the mass of gas dissolved per unit volume of a solvent is directly proportional to pressure, या rather आप ऐसा बोलो इसको partial pressure of the gas
partial pressure of the gas over liquid. आपने एक लिक्विड में जितनी भी गैस डिसॉल्व की है, जितनी भी गैस इसके गिवन वॉल्यूम में डिसॉल्व हुई है, वो इस लिक्विड पर उस गैस के लगने वाले उस गैस के प्रेशर, ध्यान रखना जिस गैस की सॉलिडिटी की बात कर रहे हो उसी का आप प्रेशर कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं कि आप टोटल प्रेशर कंसीडर करोगे, नहीं, जिस गैस की सॉलिडिटी की बात कर रहे हैं हम प्रेशर भी उसी गैस का लेंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर लिक्विड। तो हेनरी ने बोला कि किसी भी गैस का मास जो सॉल्वेंट के एक यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी मास ऑफ गैस डिसॉल्व एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। बताओ प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट। तो मैं यहां से लिख रहा हूं एम गैस इज इक्वल टू सम के इंटू पी गैस, ठीक है। तो ये तो हुआ हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। यहां पर देखो आप मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ बना सकते हो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का, और ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा ना। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे जैसे गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। ये तो हुआ हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट और ये इसका रिजल्ट। अब देखो मैं इसको एक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं, क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग उसी फॉर्म को यूज किया करेंगे। तो मैं जो कर रहा हूं वो आपको याद नहीं रखना है, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपको इक्वेशन दिया है एम गैस इज इक्वल्स टू के इंटू पी गैस, मैं क्या कर रहा हूं इसको दोनों साइड मोलर मास ऑफ गैस से डिवाइड करो, मोलर मास ऑफ गैस दिस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। तो देखो मोल्स मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस को क्या मैं मोल्स ऑफ गैस लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। दिस विल बी इक्वल टू के अपॉन मोलर मास को एम लिख रहा हूं इंटू पी गैस, ठीक। फिर क्या कर रहा हूं इसको फिर से डिवाइड कर रहा हूं, इस बार डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको टोटल मोल्स से, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स का मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स, दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। फिर से क्या होगा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एन गैस अपॉन एन टोटल, बताओ क्या मैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बोल सकता हूं। दिस विल बी इक्वल टू ये क्या बन जाएगा एन टोटल इंटू के अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इंटू प्रेशर ऑफ गैस। देखो किसी भी सॉल्यूशन में तीनों चीजें क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, इन सबको मिलाकर मैं एक नया कॉन्स्टेंट बोल रहा हूं कुछ के डैश, तो या फिर आप ऐसा करो इसको भी अभी ऐसे ही रहने दो। आप क्या करो यहां से पी गैस कैलकुलेट करो, पी गैस बताओ पी गैस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स इनटू के, एंड दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स गैस। अब देखो किसी भी सॉल्यूशन में तीनों चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट, तो इन तीनों चीजों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लिखते हैं के एच, क्या लिखते हैं के एच। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म क्या बनता है, P गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये जो के एच आया इस के एच को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और ये जो हेनरीज कांस्टेंट है दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, जैसे जैसे गैस चेंज होगी वैसे वैसे केएच की वैल्यू भी क्या होगी चेंज, क्योंकि देखो केएच में किसका टर्म आ रहा है मोलर मास, गैस चेंज होगी तो गैस का मोलर मास चेंज होगा, इसका मतलब केएच की वैल्यू भी क्या होगी चेंज। तो ये फाइनल फॉर्म है हेनरीज लॉ का कि पी गैस किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगी वो उसके प्रेशर के क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान रखना आप प्रेशर सिर्फ उसी गैस का यूज करोगे आप जिसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, बस यही होता है अपना स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ और ये उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म। ध्यान रखना हेनरीज लॉ हमको सिखाता है कि कैसे प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती है। तो आप एक बार से कॉपी करो फिर मैं आपको हेनरीज लॉ को यूज करके दिखाता हूं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि एयर
contains 80% N2 and 20% O2 at 1 atm pressure. At 1 atm pressure, what you have to do is you have to calculate the mole fraction of air, mole fraction of O2 in water. If KH for O2, Henry's constant diya aapko O2 ke liye, 3.2 into 10 to the power 380. ठीक, तो आपको O2 के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और आपको एयर का कंपोजिशन दिया हुआ है 1 atm प्रेशर पे. आपको O2 का मोल फ्रैक्शन बताना है. तो देखो, हमने सीखा हेनरीज लॉ से कि P गैस इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. तो मैं O2 लिख लूं. देखो, सिंस मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है तो मुझे प्रेशर भी किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, O2 का. हेनरीज कांस्टेंट तो दिया हुआ है इसके लिए. अब मुझे बताओ प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा. भाई एयर का टोटल प्रेशर कितना है, 1 atm. एयर में 20% क्या है, O2. तो 1 atm का 20% क्या होगा, O2 का प्रेशर. तो यहां पर जो O2 का प्रेशर आएगा, दैट वुड बी 1 atm का 20%. दैट इज बेसिकली 0.2 atm. दिस विल बी इक्वल टू, KH की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. बताओ क्या हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैलकुलेट कर सकते हैं. बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3. इसको 16 टाइम्स कैंसिल करेगा तो हो जाएगी 1/16 इंटू 10 टू द पावर -3. यही हो गई मोल फ्रैक्शन ऑफ, देख सकते हैं. तो ये आसान सा क्वेश्चन आपके हेनरीज लॉ पे. बस इतना ध्यान रखना, जिस गैस की मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हो आपको उसी गैस का प्रेशर यूज करना है, आपको टोटल प्रेशर यूज नहीं करना है. यह आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हैं. चलो, तो ये था हमारा चैप्टर, दैट वॉज लिक्विड सॉल्यूशंस. हमने यहां पर बहुत सारी चीजें सीखी, हमने देखा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे हम उनको रिलेट करते हैं. फिर हमने डिफाइन किया वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने यहां पे पढ़ी. एक RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. सब चीजों को हमने डिटेल में एनालाइज किया. फिर हमने डिस्कस किया द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेंट ऑफ फैक्टर. हर क्वेश्चन में अब आपको वेंट ऑफ फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, चाहे उसमें वेंट ऑफ फैक्टर लगे नहीं लगे, वो सेकेंडरी चीज है. आपको तो चेक करना है, अगर इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो उसमें वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा, कहीं पर भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो उसमें वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई होगा. इसलिए आपको हर क्वेश्चन में चेक करो हमेशा कि वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऐसे डिसाइड नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे सीखोगे. तो मेरी बात ध्यान रखना, वेंट ऑफ फैक्टर आपको हर जगह लगाकर देखना है. चेक करो क्वेश्चन में हमेशा करने से पहले कि वेंट ऑफ फैक्टर लग सकता है या नहीं लग सकता. उसके बाद हमने डिस्कस किया अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें हमने पढ़ा हेनरीज लॉ और उसको यूज करना सीखा. तो मैंने देखो आपको ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन करवाए, फिर भी जो क्वेश्चन बचे होंगे वो आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगे आपकी शीट के अंदर. आप उनको सॉल्व करो, फिर हम लोग उनको डिस्कस कर सकते हैं.